वेलकम टू द मोस्ट एंटरटेनिंग शो बॉलीवुड गपशप। यहाँ हर खबर फिल्मी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के बॉलीवुड मसाले पर। बॉलीवुड की नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्स सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर अपना फिल्म डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज में ये सभी स्टार किड्स काम कर रहे हैं। काफी समय से इन सभी के बॉलीवुड डेब्यू के चर्चे हो रहे थे और अब आखिरकार फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। इन तीनों स्टार किड्स के फिल्म के लुक अब सोशल मीडिया पर लीक हो गए हैं। ये लीक हुई तस्वीरें फिल्म की शूटिंग के पहले दिन से हैं। दरअसल फिल्म द आर्चीज आर्चीज कॉमिक्स पर आधारित है। ये एक म्यूजिकल ड्रामा होगी जो 60 के दशक में सेट है। वहीं साउथ फिल्मों के सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर रिलीज हो चुकी है। एसएस रामोजोली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में इतना क्रेज देखने को मिला कि रिलीज से पहले ही फिल्म के 2 लाख से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बेचे गए। दुनिया भर की स्क्रीन्स पर रिलीज हुई रामचरण और जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म को देख लोग इसकी प्रशंसा करते सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राजमौली की इस फिल्म को बाहुबली 2 से भी ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। बात करें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, तो कपिल किसी ना किसी तरह चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर कपिल शर्मा को लेकर ऐसी खबर आ रही है जो आपको चौंका देगी, क्योंकि जल्द ही कपिल शर्मा शो बंद होने वाला है। दरअसल कपिल शर्मा की एक पोस्ट सामने आई है जिसके बाद से शो के बंद होने की चर्चाएं होने लगी हैं। सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर कपिल शर्मा ने यूएस कनाडा टूर के बारे में बताया है। अपने पोस्ट में कपिल शर्मा ने लिखा है कि यूएस कनाडा टूर के बारे में साल 2022 में घोषणा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी। इस पोस्ट के सामने आते ही लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि अब जल्द ही कुछ समय के लिए शो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये टूर जून से जुलाई तक चलेगा और फिर से नए सीजन के साथ शो वापसी करेगा। वहीं आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग की जिसे देख लोग दंग रह गए। इस फिल्म के बाद से एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी देखने को मिली है। पाकिस्तानी एक्टर मुनीब भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी देखने के लिए पूरा थिएटर ही बुक कर लिया। दरअसल मुनीब भट्ट ने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का सोचा, लेकिन उनके इस स्पेशल सरप्राइज ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया। मुनीब भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस अयमान खान आलिया भट्ट की जबरदस्त फैन है और वो थिएटर में उनकी फिल्म देखने के लिए काफी समय से इंतजार कर रही थी। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।